सब्सक्राइब कीजिए टेकीरा फॉर यू को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेकीरा फॉर यू के एक और नए एपिसोड में। यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक और नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि ऑफिशियली गूगल ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन व्हिच इज डाउन बिलो दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गूगल ने अब ऑफिशियली अपना पिक्सल सीरीज का एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, या फिर आप इसे कह सकते हैं एक लाइटर वर्जन, लेटेस्ट जो पिक्सल 3 स्मार्टफोन है उसका आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइसिंग भी काफी अच्छी होने वाली है। इसके साथ गूगल ने अभी अनाउंस कर दिया, अभी लॉन्च कर दिया गूगल का पिक्सल 3A और 3A XL, यानी कि यहाँ पे आपको दो स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे गूगल की तरफ से। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो लेटेस्ट एंड्रॉयड पाई पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल ऑब्वियसली बात है, गूगल का स्मार्टफोन है तो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो भी लेटेस्ट। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम और अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह गूगल की तरफ से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे दोनों ही स्मार्टफोन पे। तो ये काफी अच्छी और कमाल की बात है इस फोन को अगर हम देखें तो। इसी के साथ ये दोनों के डिस्प्ले में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पिक्सल 3A में आपको फुल स्क्रीन जो डिस्प्ले 5.6 इंच का देखने को मिल जाएगा, FHD+ डिस्प्ले होगा और 441 PPI 18.5:9 का रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ गूगल पिक्सल 3A XL की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 6 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो अगर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और जो नॉर्मली जो आपको डिस्प्ले में फीचर्स मिलते हैं और काफी अच्छे आपको, क्योंकि गूगल काफी प्रीमियम डिवाइसेस भी बनाता है तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कितना अच्छा आपको डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल सकता है इस फोन में। इसी के साथ अगर हम इनके कैमरास की बात करें, क्योंकि कैमरा काफी ज्यादा स्पेशल होता है एक स्मार्टफोन कंज्यूमर के लिए या फिर हम कह लें एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, या फिर अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो 12.2 मेगापिक्सल का ड्यूअल पिक्सल वाला आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ऑटो फोकस, ड्यूअल पिक्सल फेस डिटेक्शन और तरह तरह के आपको इसमें ऑप्शंस वगैरह फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके अपर्चर की बात करें तो f/1.8 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका अपर्चर 2.0 आपको देखने को मिल जाएगा, फिक्स फोकस वगैरह और 84 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू वगैरह आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियर कैमरा से आप 1080p की जो वीडियो है वो 30fps, 60fps और 120fps वगैरह पे आप रिकॉर्ड वगैरह ये सब कर सकते हैं, मतलब इस वीडियो का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4K का भी फीचर देखने को मिल जाएगा 30fps पे। इसी के साथ फ्रंट कैमरा की बात करें तो 1080p 30fps, 720p 30fps और 480p 30fps। तो इस तरीके से कुछ आपको इसमें कैमरा का कमाल देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। रही बात आप इसके अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 670 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एड्रेनो 615 GPU के साथ, जो कि और अगर हम प्रोसेसर की और भी बात करें तो 2 GHz का आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा प्लस 1.7 GHz 64-bit का ऑक्टा कोर ये चिपसेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपको इसमें एक सिक्योरिटी मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा टाइटन M का, तो इसके बारे में आप नेट पे सर्च कर लेना अलग से, या फिर मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या है ये सब सिक्योरिटी मॉड्यूल वगैरह। इसी के साथ अगर हम इसके स्टोरेज और मेमोरी वर्जन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ही अभी तक जो डिटेल्स निकल के आई है एक ही मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, 4GB की रैम और 64GB का इनबिल्ट स्टोरेज वगैरह आपको बेसिक तौर पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम इनके वेट्स की बात करें दोनों ही स्मार्टफोन की तो एक आपको पिक्सल 3A आपको देखने को मिल जाएगा 147 ग्राम का और पिक्सल 3A XL 167 ग्राम के लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। कलर वर्जन की बात करें कलर वेरियंट्स की तो व्हाइट और ब्लैक और जो भी अपने हिसाब से नाम रखते हैं वैसे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे पिक्सल 3 में आपको देखने को मिलते हैं जनरली। इसी के साथ डिया और ऑडियो को लेकर अगर हम बात करें तो स्टेरियो स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स वगैरह का सपोर्ट, नॉइस सप्रेशन, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। और मेन चीज अगर हम बैटरी की बात करें तो दोनों में ही आपको लगभग 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप मिल सकता है। अगर नॉर्मली मॉडरेट यूज करें या फिर आप थोड़ा ज्यादा हार्डकोर यूज करते हैं तो 1 दिन का तो आपको बैटरी बैकअप कम से कम मिल जाएगा, मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी पिक्सल 3A में। और पिक्सल 3A XL में आपको
आपको देखने को मिल जाएगी 3700 mAh के लगभग की बैटरी। इसी के साथ ये दोनों ही फोन में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा 18W का, और USB-C 18W का अडॉप्टर वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम इसके और भी फीचर्स वगैरह कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो NFC, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS और गूगल कास्ट, अलग अलग तरह के आपको इसमें फीचर्स वगैरह कनेक्टिविटी के तौर पे देखने को मिल जाएंगे। नेटवर्क की बात करें तो इसमें 4G वगैरह तो आपको आजकल मिलता ही है सब फोन्स में, और इनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। और सेंसर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इस फोन के बैक साइड में देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर और जितने तरह के अच्छे से सेंसर्स है वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। USB पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, सिंगल नैनो सिम है ये, और 3.5mm का ऑडियो जैक यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी कमाल की बात है। और अगर हम इसके रिटेल पैकेज की बात करें तो उसमें आपको क्या मिलता है, क्योंकि काफी बार कंट्री वाइज अलग अलग हो जाता है, तो नॉर्मल से आपको यहाँ पे पिक्सल 3a या पिक्सल 3xl जो भी आप ऑर्डर करते हैं वो डिवाइस मिलेगा। USB का सी पावर अडाप्टर आपको 18W वाला देखने को मिल जाएगा, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड रहने की, इसमें आपको 18W फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिल रही है इस फोन के अंदर, दोनों ही फोन के अंदर, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। सिम टूल और 3.5mm का ईयरबड्स वगैरह, क्विक स्विच अडाप्टर वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाता है पूरे पैकेज के अंदर, और क्विक स्टार्ट गाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रही बात ये कुछ अगर हम स्पेसिफिकेशंस के रिव्यू की बात करें तो काफी कमाल का आपको एक पैकेज देखने को मिल रहा है ये गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल 3a के तौर पे, जो कि आप एक समझ लीजिए एक लाइटर वर्जन, या फिर हम कह लें इनका जो फ्लैगशिप फोन है गूगल पिक्सल 3 उसका एक लाइटर वर्जन आपको देखने को मिल जाता है गूगल की तरफ से, जो कि कम कीमत पे इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। रही बात अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में क्या इसकी प्राइस होने वाली है, तो हो सकता है ये आपको गूगल पिक्सल 3a की प्राइस स्टार्ट हो जाए 39,999 रुपीज पे इंडिया के अंदर, यानी कि लगभग 40,000 से 1 रुपए कम में ये इसकी प्राइसिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए इंडिया के अंदर। और अभी अगर हम 8 मई 2019 की बात करें तो यही कुछ प्राइसिंग सामने निकल के आ रही है, और ये प्री बुक या फिर आप डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं आप, जैसा भी जो है वो गूगल के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी की बड़ी यही अपडेट है कि ये दोनों ही स्मार्टफोन गूगल ने ऑफिशियली अपने IO में इंट्रोड्यूस करा दिया है, लॉन्च कर दिया है। और ये एक अगर हम पूरे घुमा फिरा के बात करें इस फोन के बारे में, इन दोनों ही हैंडसेट्स के बारे में, तो काफी कमाल का आपको यहाँ पे पैकेज देखने को मिल जाता है गूगल की तरफ से, जो कि एक आपको अगर हम फ्लैगशिप फोन की बात करें उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग अच्छा ही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, फोटोग्राफी हो, प्रोसेसिंग हो, और जो भी तरह के आप यूज करते हैं अपने फोन को, काफी अच्छा आपको पैकेज गूगल की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर, माय चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ठीक इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बैल आइकन को जरूर याद से प्रेस कर दीजिएगा। मैं उस मीटर आपसे जल्दी मिलूंगा ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक अगले वीडियो में। ठीक है, फॉर यू से धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।